नमस्कार, मैं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर युगल को 6 महीने का कारावास और 25,000 का दंड या दोनों हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में ये प्रावधान किया गया है। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ गड्ढे खोद दिए गए हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित फार्म के ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शांतर शाह चौकी प्रभारी की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। और चौथी खबर की ओर चलते बता दें, ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास करने वाले 3 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। तीनों बदमाश सहारनपुर जिले में बीते 2 सप्ताह में हुई लूट की 2 वारदातों में फरार चल रहे थे। सहारनपुर पुलिस भी उनकी तलाश में थी। दोनों पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर समेत 3 संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हल्द्वानी के हीरानगर स्थित एक कपड़े के शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। ऐसे ही उत्तराखंड की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।